नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शास्त्री नगर के मदर प्राइड स्कूल में, जहाँ एबेकस की ओर से एक अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था। और इस अवार्ड सेरेमनी में तमाम जो बच्चे हैं उन्हें अवार्ड देकर नवाजा गया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। ऐसे में बच्चों के जो टीचर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं, इस अवार्ड सेरेमनी के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, आज जो अवार्ड सेरेमनी थी किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की गई, क्या मकसद था? वन वीक लग गया, बहुत टफ है ऑर्गेनाइज़ करना, सबको दूर दूर से पेरेंट्स को बुलाना, पेरेंट्स हमारे आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ इंडिया, बच्चे हमारे ऑनलाइन सब बैठ के देख रहे थे बच्चे, बहुत डिफ़िकल्ट था ये चीज़ बहुत करना। मतलब आप मान के चलो 15-20 दिन हो गए हमको यही चीज़ करते हुए कि बच्चों को गैदर करना, प्लस जगह देखनी, मेंटेन देखना कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, बहुत डिफ़िकल्ट था, बस हो गया आज। कितने ऐसे जो आपके कितने स्टूडेंट्स थे जिनको रिवॉर्ड दिया गया है? 53 स्टूडेंट्स थे हमारे, और उसमें से हमारे 8-10 स्टूडेंट्स थे जो ओवरसीज़ से थे, मतलब हार्डली हमारे जो 40 स्टूडेंट्स थे जो इंडिया के थे, और 8-10 स्टूडेंट हमारे ओवरसीज़, मतलब कि कोई जर्मनी से था, इटली से था, कतर से था, दुबई से था, तो वो बच्चे ऑनलाइन थे हमारे, और बाकी हमारे पेरेंट्स आपने देखा। अपने पेरेंट्स को भी बुलाया था और पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी रिवॉर्ड दिया है। हाँ। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उन बच्चों कि ये जो एबेकस है दिस इज़ फॉर ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बच्चे अब देखो आप जहाँ भी देख रहे हो इसका जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, मतलब ये नहीं कि मतलब आप सोचो कि बस यहीं पर है, बट ऑल ओवर इंडिया अब इसको पूछा जा रहा है एबेकस को, मेन कैलकुलेशंस के लिए, बेसिकली कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए प्रोग्राम। लास्ट अंतिम सवाल, कोविड जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था, और इस बीच आपको कितनी दिक्कतें आई, क्योंकि कंटिन्यू करना अपने आप में एक बड़ी बात। सर, हमें तो कोई दिक्कतें नहीं आई, सही बताऊँ, हमें तो ओवरसीज से जो बच्चा जुड़ा और जो ऑनलाइन से हमारे से दूर दूर से बच्चे जुड़े, हम तो शास्त्री नगर पे रह गए थे बस, हम तो देख रहे हैं कि जो हमसे ओवरसीज से जुड़ा, साउथ दिल्ली से जुड़ा, साउथ से जुड़ा, नॉर्थ से जुड़ा, और ओवरसीज से जो जुड़ा, हमारे लिए तो बहुत फ़ायदा हुआ कि बच्चा हमारे कोविड, बट कोविड ने हाँ ये जरूर है कि स्कूल्स बंद हो गए, सब कुछ बहुत दिक्कतें हुई, बट हमारे लिए थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। कैसे, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर इस पूरे जो है कार्यक्रम का मकसद क्या था और कितना मेहनत और कितना चुनौतीपूर्ण ये रहा। मैम, आप बताइए, आज जो ये अवार्ड सेरेमनी था बच्चों को क्या मैसेज गया? बच्चों को ये मैसेज गया कि मतलब जो हम ये कोर्स कर रहे हैं इसमें हमारा एक तो जो मैथ्स फोबिया है वो बिल्कुल दूर हो रहा है, और वो इतना एंजॉय करते हैं इसको कि मतलब आप ये मान के चलें कि उन्हें पता लग जाए कि आज हम ऑफ रख रहे हैं, उन्हें ये पता होता है हम उनसे एक दिन पहले क्लास ले लें, और वो मतलब इस चीज़ को इतना एंजॉय करते हैं, वो अपनी ट्यूशंस छोड़ देते हैं। इवन है कि अभी रिसेंट एक मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने क्लास अपनी गाड़ी में बैठ के उन्होंने मुझसे क्लास ली कि हमें क्लास लीव नहीं करनी है क्योंकि हम एक दिन भी मिस नहीं कर सकते। मतलब इस चीज़ का अब बेनिफिट उनको लगता है या वो महसूस करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करते हैं इस एबेकस को। और भी कुछ ऑर्गेनाइजर्स उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आप बताइए, आज अवार्ड सेरेमनी थी, बच्चों को क्या मैसेज दिया है और क्या कुछ कहना चाहिए? आज की जो अवार्ड सेरेमनी थी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। पहले मैं बता दूं आपको, आई एम अ फाउंडर मेंबर ऑफ दिस स्टडी एबेकस, राइट? तो हमने एक सपना देखा था कि सिर्फ और सिर्फ रोहिणी में नहीं, मैं चाहती थी मेरी ऑल ओवर दिल्ली में ब्रांचेज हों, दिल्ली के बाहर ब्रांचेज हों, तो शायद आज वो सपना मैं पूरा होता हुआ देख रही हूँ। आज शास्त्री नगर ब्रांच की ये सेरेमनी थी, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, टीचर्स से भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग भी स्ट्रॉन्ग है जो टीचर्स को इतना काबिल बना रही है, उनको इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। बच्चों का रिजल्ट देखकर भी, यस ऑफ कोर्स बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहेगा तभी पेरेंट भी एप्रिसिएट करेगा। इतनी दूर से शायद एक गाज़ियाबाद के पेरेंट थे, एक रेवाड़ी के पेरेंट थे, तो इतनी दूर से सिर्फ एक रिवॉर्ड लेने नहीं, बच्चे की प्रोग्रेस को देखकर, टीचर की मेहनत को देखकर वो आज यहाँ आए हुए थे। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रैट्स टू रोहित माधुरी मैम जिन्होंने यहाँ आज अपना अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की। सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। मैम, अपना एक बारी परिचय दे दीजिए और डेजिग्नेशन।
आई एम अकेडमिक हेड इन रोहिणी सेक्टर 5 थी. अब नाउ आई एम शिफ्टेड हेयर शास्त्री नगर एज एन अकेडमिक हेड एंड आई लव दिस इवेंट रियली नॉलेजेबल फॉर एवरीवन. किस तरीके से मैम पूरा जो है पूरा प्लान किया गया था ये अवार्ड सेरेमनी कोविड के बाद जो है लगातार कहीं ना कहीं जो है सब चीज़ें प्रभावित थी लेकिन आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है किस तरीके से वर्किंग कर रहा है? सर एजुकेशन तो इतने बच्चे लैप हो गए हैं बट अब ये जो जनरेशन आ रही है अबैकस का हो या स्टडी जो अब स्कूल्स ओपन हुए हैं दे आर वेरी नॉलेजेबल. अब जो चीज़ें आ रही हैं बच्चों को दिखाने के लिए बच्चों को बताने के लिए उसमें हम और कोशिश करेंगे कि दे शुड ग्रो अप फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड. पेरेंट्स एनकरेजिंग मोटिवेशन प्लस टीचर्स विल मेक देम हैप्पी एंड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. एक और टीचर हमारे साथ मौजूद हैं इनसे भी जान लेते हैं कितना और कैसा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स जो है बच्चों के लिए एक गुरु होता है और गुरु का ज्ञान जो है बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते हैं और अपने भविष्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर होते हैं. आप बताइए किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है क्या कुछ देख रहे हैं आने वाले बच्चों में? मेरे हिसाब से जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत पोटेंशियल होती है ठीक है, तो उन पोटेंशियल को हमें बढ़ाना उनको एक लेवल तक पहुंचाना जहां पे वो अपने आप को एक्सपेक्ट करते हैं तो वो एक टीचर का रोल होता है मेरे हिसाब से ठीक है. तो और मैं बहुत खुश हूँ कि अगर मैं उनकी थोड़ी सी भी मदद कर पा रही हूँ इस काम में ठीक है. और मेरे लिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाले हैं. कुछ लोगों ने तो अभी जैसे सर ने बताया था कुवम वो मेरा मैं उसको इंग्लिश स्पीकिंग करवाती हूँ ठीक है. वो उसने अभी गूगल होम जीता है इन नेशनल लेवल्स पर है वो, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए. एंड ऐसे ही दो तीन बच्चे और को मैं पढ़ाती हूँ. एक चीज़ और मैम, स्कूल से हटकर एक अलग प्लेटफॉर्म देना कहीं ना कहीं बच्चों पर बहुत बर्डन भी बढ़ता होगा. कितना इंटरेस्टिंग बनाने में कितना मेहनत लगती है आपको? इंटरेस्टिंग बनाने में मेहनत लगती है ठीक है, क्योंकि बच्चों के इंटरेस्ट को अगर हम करें तभी बच्चे समझ पाते, नहीं तो बच्चों के लिए बोरिंग हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूस एक ही चीज़ चली रहेगी तो वो बोरिंग हो जाती है, हमारे लिए हो जाती है तो बच्चों के लिए नहीं. अब जैसे मैं अपनी क्लासेस में मूवीज़ के साथ करती हूँ, सॉन्ग्स के साथ करती हूँ, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि वो ढूँढें जो उनको करना है फिर उसको इंटरप्रिटेट करें एंड वो अपनी लैंग्वेज में करें. सारा कुछ इंग्लिश में होगा बट अपने ख्याल अपने थॉट्स अपनी क्रिएटिविटी उसमें ऐड करें. मेरे लिए जो भारत की शिक्षा नीति के अंदर शिक्षा अभियान के अंदर स्टडी एबेकस का कितना योगदान है और किस हद तक सक्सेस हो रहा है? मेरे हिसाब से बहुत है क्योंकि बेसिक जो फाउंडेशन है स्कूल्स में अब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि कैलकुलेटर्स आ गए हैं, तो एबेकस एक ऐसी चीज़ है जो फाउंडेशन पे काम करती है. आगे जाके फाउंडेशन ही सब कुछ है क्योंकि सारा बहुत मुश्किल हो जाता है जब अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो आप आगे कर नहीं पाएंगे. आप बताइए मैम किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को, किस तरीके से प्रिपरेशन करी कि क्या ऑब्जेक्ट? मैंने पहले एंटिटी कोर्स किया था, उसके बाद मैंने ये क्लास ज्वाइन की थी, उसके बाद मैंने बैकअप सीखा फिर बच्चों को सिखाया बस. कितने बच्चे आप टीच करते हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कितना टाइम हो चुका? ऑलमोस्ट 10 या 7 स्टूडेंट मैं मोस्ट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टीचर्स हैं कहीं ना कहीं उनका योगदान भी इस स्टडी एबेकस के जो कार्यक्रम में है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है और लगातार यही प्रयास किया जाता है कि जो स्टडी एबेकस है अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों को जो कोर्स है वो अच्छी तरह कराए और जो भी उन्हें सिखाना होता है वो बहुत अच्छे से सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं. कैमरा पर्सन रोहन के साथ दीपक रुद्रानी.